पापा निकले इधर से, मैं और वही थे सच में पीछे से पहचान। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। सो गाइस, आप सभी का स्वागत है महक के ब्लॉग्स में। सो भाई, अभी देखो मम्मी और ये लोग क्या कर रहे हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ इनको। मम्मी क्या कर रहे हो? नीचे बैठे रहो, बैठी। और ये देखो सोहन। आजकल सोहन आप लोगों ने नोटिस करा होगा क्योंकि वीडियो में बहुत ज़्यादा नहीं आ रहा है, बस गेम खेलता रहता है। ये क्या हो रहा है भाई तेरे को? क्या हो रहा है? देखो ये क्या है, इसकी बुराई आ रही है। ये मेरी बुराई, ये सोहन की बुराई कर रहा हूँ मैं। इधर अभी होनी बता दो इनको। आजकल वीडियो में नहीं आता और सीरियस सीरियस घूमने लगा है आजकल। आप मेरी तरफ भी होनी और अब आप क्या सही है ना? सही बोल रही हूँ गलत बोल रही हूँ? बता, पार्टी बदल ली? नहीं पार्टी नहीं, सही बोल रहा हूँ। किसी की तरफ नहीं होती, मैं सच के साथ होती हूँ। समझ गया, देखा है। वीडियो में नहीं आता ना ज्यादा आजकल? छुपता है, छुपने लग गया आजकल। क्या बात है है ना? गलत बात है। क्या दिन भर गेम खेलता रहता है मम्मी? बस खेलता, अब मैं फिर क्या करता? फिर क्या करता? मोबाइल चलाता हूँ, गेम नहीं खेलता। ये देखो मम्मी साइड ले रही है भाई। नहीं मेरे को मालूम है मम्मी गेम खेलता है। वो गेम खेलता है ना भाई, तुमने देखा है? देखो मम्मी पता चले क्या कर मोबाइल में। हाँ मुझे पता है। नहीं दिन भर अभी भी गेम ही खेल रहा था। नहीं तू नहीं खेल रहा था? बता बता इसका मोबाइल है और रिफ्रेश देख। इधर बता, मोबाइल बता, मोबाइल चेक करवा तेरा। मम्मी के मोबाइल में खेलता हूँ मैं गेम। हाँ तो इसमें बता, दिखा अभी। अभी देखो बताएंगे, देखो ये रिफ्रेश वाला बटन दबा। ये रहा, यही है रिफ्रेश वाला। हाँ रिफ्रेश में नहीं है, गेम खेलता है ये। गेम हाँ, बस ये गेम खेलता रहता। देख लो मम्मी, आप तो सही मारूंगा फिर तेरे को। समझ गया? देखो, ज्यादा गेम नहीं खेलना चाहिए। गेम खेलना चालू हो गया। चलो गाइस अभी चलते हैं मार्केट में। चले मैं, चलो चलो आओ। सो गाइस अभी हम लोग आए हैं यहाँ पे मोमोज खाने के लिए। महक को बहुत ज्यादा इच्छा हो रही थी मोमोज खाने की, है ना? बहुत ज्यादा हो रही थी, है ना? बहुत ज्यादा। हाँ। और गाइस है ना, जिस सिटी में हम रहते हैं ना, वहाँ मोमोज अभी आए हैं। हाँ मेले नहीं थे, मेले नहीं थे। और मोमोज की हालत अगर देख लोगे ना भाई, तो देखो आप चुपचाप मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे ये है मोमोज, अब मैं फर्स्ट टाइम इस सिटी का मोमोज टेस्ट करने वाली, है ना? सोहन भैया लेकर आए यहाँ पर। अच्छे हैं, भाभी चलो तो सही टेस्ट करना। कैसे कर लो टेस्ट करके देख लो कैसे लग रहा है। देखते हैं, खाओ ना छोटी छोटी, खाओ देख लो बेटा। डाइटिंग चल रही है? ज्यादा राइटिंग चल रही है? ज्यादा राइटिंग देख लो। मैं तुम्हें खाओ, मेरी तो इच्छा नहीं है बिल्कुल भी। देख के नहीं हो रही? हाँ वही, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छे टेस्ट करके देख लो ना मेरे को। देखो ठीक है, खा के देखो ना। मैगी मसाला डाला इसके ऊपर, खुशबू से पहचान लिया मैंने। अब तुम बाहर वाले हो तो उसी हिसाब से अच्छे। कैसा है? अच्छा टेस्ट है, गरम है। कैसा है सच में बताना? वही मेरे को लगा ही था, मेरे को लगा था भाई टेस्ट, क्योंकि हम वहाँ पे हम जहाँ रहते हैं ना वहाँ पे मोमोज बहुत बनते रहते हैं। वहाँ का टेस्ट भी A1 है, मेरा फेवरेट है वहाँ के मोमोज। वही ना, मालूम है मुझे तो। या तो मोमोज खा के बिना फेवरेट बन जाएंगे तो, है ना? चलो खा लो अब जितने लिए। सो गाइस मोमोज खा लिए, और मोमोज का टेस्ट बहुत अच्छा था, मतलब ज़्यादा अच्छा भी नहीं था, बीच का था और ठीक था, जो क्योंकि उनकी भी उसमें मेहनत है, ऐसा तो नहीं कह सकते। हाँ लेकिन जिस सिटी में गाइस हम लोग रहते हैं ना, तो वहाँ का जो टेस्ट है ना उसकी तो बात ही अलग है। मेरे पापा निकले ए? हाँ शायद से। सही सच बताओ? हाँ सच में, मुझे तो पापा निकले। पापा जा रहे हैं क्या? अरे मैं एकदम गए ना, वो मेरे पापा की ऐसे छोटी छोटी गाड़ी, सच में ऐसा लगा मेरे पापा थे। वो कैब भी पहनते हैं। पापा ही थे क्या? एकदम से मैं यूँ ना, वो ना फिर पलटा भी सही साइड से, ऐसा सोचा उन्होंने कि रोकेंगे। हाँ। पता सच में थे। हाँ। सच में मेरे को एकदम वो हो गया, और वही थे सच में पीछे से पहचान, कैप पहन रखा था उन्होंने। हाँ। पता नहीं वही थे या कोई और थे, पीछे से सेम वही लग रहे थे। मैंने उनको आगे से नहीं देखा। हाँ। पीछे से देखा और मेरे को लगा वही है, क्योंकि पापा कैप पहन थे, उनने भी कैप पहन रखी थी। ऐसा पता नहीं सच में, तो तुमको देखा कि नहीं देखा उन्होंने? अब वो मुझे इतना ध्यान से दिखा, एकदम से गाड़ी से तो फटाक से निकल जाते हैं। हाँ। तो इधर से आए सीधे यूं निकल गए वो तो। हाँ। हाँ। तुमको देख लिया उन्होंने? पता नहीं अब देखा या नहीं यार, मेरे को ऐसा लगता है। मेरे अब जैसे मेरी नजर मेरी खड़ी थी ना, आपको देख रही थी, तो मैंने पीछे से देखा था, तो इधर का हिस्सा दिखा था। अब सच में वही थे या फिर कोई और था? मुझे तो जाते यकीन है, 99% वही थे यार। चलो अगर कुछ ना कुछ होगा तो अपने तक बात तो आ ही जाएगी। सच में यार सर, वो इधर का इधर क्या करने आएंगे वैसे वो? हाँ तो क्यों नहीं आ सकते? मैं तो फिर काम से आना जाना हो ही जाता है। वही ना,
बेटे भगवान पर कैसी दुनिया यार वो, मतलब मैं आप खुद की बेटी को देख के भी नहीं रुक सकते है ना। सो गाइस अभी हम लोग घर पहुंच चुके हैं, चलें। चलो मम्मी बताते हैं। मम्मी आज क्या हुआ मालूम है आपको मार्केट में? क्या हुआ था? क्या हुआ? मेरे पापा दिखे। मैं आया इधर से बोले उससे क्यों बोले क्या हुआ? क्यों लोगों ने उनको नहीं धोने लग जाए? पापा दिख गए और उसके बाद मैं का रिएक्शन इतना खतरनाक था और इसके तरफ नजर भी मिला ली। पता नहीं वो देखा या नहीं जाए, कंफ्यूज पापा थे या कोई और था, शायद उन्होंने मुझे देख लिया और इग्नोर कर दिया। कैप भी लगा रखी थी, मतलब कैप लगाते हैं पापा, कैप लगाते हैं, कैप भी लगा रखी थी और वो गाड़ी जो इनकी थी हाँ तो वही बाइक से तो देखा था। मैं एक तो बिल्कुल शौक हो गई और एकदम तो रोना आ गया होगा। रोना तो नहीं आया लेकिन हाँ ये ऐसा मतलब खुश हो गई कि यार बस ये समाज की वजह से लेकिन रुक नहीं पाए। लेकिन पापा तो दिखते लेकिन कोई और पहचान लग जाते हैं। लेकिन आज फाइनली मतलब क्या मतलब किधर से मतलब हम लोग तो खड़े हुए थे, मोमोज खाए हम लोगों ने और मोमोज खाने के बाद में हम लोग शूट कर रहे थे ठीक है, बस हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। उसके बाद में एकदम से मतलब उधर से बाइक क्रॉस हुई और क्रॉस हुई एकदम इसकी भी नजर मिली उनकी भी नजर मिली और उसके बाद में सीधे निकल गए। चलो अच्छा है वैसे भी देख लिया है। हाँ देख लिया और लेकिन अच्छे से नहीं देख पाई मैं। हाँ और वो स्पीड से गाड़ी होती है आप पता ही होगा वही, और अगर वो ब्लॉग देखते होंगे तो उनको पता चल ही जाएगा कि कौन तो हाँ कहाँ देखा है, मैं था कि नहीं था वही ना। हाँ आप हो तो कमेंट कर देना। हाँ कमेंट कर दो तो क्या बात रहती है यार। अरे समाज की वजह से लोगों की वजह से ना एक मतलब एक बाप अपनी बेटी से दूर है। हाँ ना ऐसा मतलब दुनिया आई है। चिंता मत कर मम्मी है साथ में, हम लोग सब साथ में है तुम्हारे। हाँ फिर भी हाँ लेकिन एक मम्मी पापा की जो कमी है मम्मी वो तो देखो मम्मी पापा होते तो एक बहुत अच्छी बात रहती। हाँ मम्मी महसूस तो नहीं होने देती लेकिन ये है कि अगर वो भी मान जाते तो कितना अच्छा रहता है ना। देखो देखो लोग भी आते हैं और वैसे भी मिलते नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है ना। ऐसे ही बुला लेते हैं। अरे बुला ले मम्मी लेकिन बस प्रॉब्लम पता है क्या है, ये लोग है ना जो ये समाज का एजेंडा बना के बैठे हुए हैं इनकी वजह से नहीं मिल पाते हैं बस सच बताऊं तो। अगर ये लोगों से मिलजुल के रहने लग जाए ना ऐसे तो पता नहीं बहुत अच्छी दुनिया हो जाएगी। भाई कमेंट सेक्शन बताना आप लोग कहते तो है भाई 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 लेकिन रहते नहीं है। हाँ। दुश्मनी हो जाती है एक दूसरे से वही। अब अगर ऐसे होता है भाई बहुत बार मम्मी कि हिंदू लड़की मुस्लिमों में चली जाती है, अब मुस्लिमों में चली जाती है तो वो हिंदू फैमिली वाले तो एक्सेप्ट कर लेते हैं। हाँ। हिंदू परिवार वाले एक्सेप्ट कर लेते हैं और मुस्लिम परिवार वाले भी एक्सेप्ट कर लेते हैं लेकिन जब एक मुस्लिम लड़की हिंदू में आ जाती है तो ना हिंदू परिवार वाले एक्सेप्ट करते हैं ना ही मुस्लिम फैमिली वाले एक्सेप्ट करते हैं तो मतलब क्या है, है, क्या है पता नहीं, सोच ही अलग है लोगों की, सबकी सोच अलग अलग है सोच भी लेकिन ये तो मतलब अपने तो चलो ठीक है अपने फैमिली वाले की सोच अच्छी है तो अपने को तो एक्सेप्ट कर लिया लेकिन बहुत सारी जगह मम्मी बहुत सारे कपल ऐसे हैं कि जिनको एक्सेप्ट नहीं करा और वो परेशान हो रहे हैं ऐसे बेचारे, ऐसा नहीं करना चाहिए ना। वो तो उनके माँ बाप को देखना चाहिए। हाँ खैर छोड़ो अभी तो देखो भाई हमारे यहाँ तो खाना बनना बन रहा है इधर मस्त रोटी वोटी बन रही है, राइस बन रहा है क्या बन रही है हमें राजमा बन रहा है क्या? हाँ। क्या बात है आज तो मस्त राजमा बनेगा भाई। हाँ। राजमा में प्रोटीन अच्छा होता है। देखो ये आया आया और सबसे पहले इसने ये इसकी जो खानदानी टी शर्ट है ना भाई क्या बोलूँ इसको मम्मी मम्मी इसकी टी शर्ट का क्या करना चाहिए। अरे उसका फेवरेट कलर है इसलिए पहन ली उसको का। हाँ। इसमें मैं कंफर्टेबल हूँ यार। आते से ही सीधा ये पहनी है उसने। मम्मी ने तो बोल दिया भाई कि उन्होंने कि अगर ज्यादा अगर आप मतलब चेंज कर करके पहला कर इसको नहीं तो सीधा आग लगा दूंगी। देखो मेरे जी हाँ इसलिए पोटेटो लाया हूँ मैं खुद के लिए। हाँ खोल तो सही इसको देखते कैसा बनाया है। मम्मी आज मोमोज खा के आए ना?
इतने बेकार नहीं अच्छे थे मुगल नहीं खाए थे हाँ खाए थे वाह क्या ही चिली पोटैटो है ना चिली पोटैटो मैं तो भाई चिली बनी रहे ना मम्मी वैसे चिली सोहन भैया ने बोला भाभी मेरे अच्छे लगेंगे खाना घर से लो मम्मी मैं तो खाने वाला नहीं हूं अभी पहले ही गर्मी इतनी गिर रही है मैं आप खाओगी क्या चखो चखो खाऊंगी गर्मी इतनी गिर रही है और ये आलू मम्मी एक बार खा लेंगे हां तुम तो सब खा लोगी पता है हमको मैं तो सब खा ले मेरे आगे पेट दुख रहा है जलन हो रही पेट के अंदर फिर ये हो रही है हां फिर आप ठंडा कुछ पिला देना वही तो आज मोहल्ले में भी शादियां हो रही है भैया मोहल्ले में भी इतनी ज्यादा शादी है ढोल बज रहे हैं और मैक के पैर इधर घर के अंदर थिरकते हैं गाइस अभी ना आसपास लोगों ने बाना खेलते हैं ना वैसे लोग मम्मी मैक का डांस नहीं देखा था नहीं अभी आपने लेकिन अब शॉर्ट शॉर्ट वीडियो में डाल रही जब देखा हाँ भाई बहुत अच्छा डांस करती है मैक थैंक यू सामने नहीं करती है हाँ बस ये बता ली क्या मम्मी के सामने करके दिखाया करो ना शर्म आती है देखो मम्मी आपके सामने शर्म आ रही है देखो आगे चल के अगर सोहन की शादी हुई तो किसे नाचोगी जब तो नाच लेंगे देखो मम्मी जब तो नाच लेंगे अच्छा ना माहौल रहेगा हाँ मतलब ऐसा है कि वो बताना चाहती है मम्मी सबसे ज्यादा मैं ही नाचूंगी स्पेशल मेरा कोई डांस होगा तो स्पेशल मैं क्रिएट करूंगी ऐसा कुछ सोहन भैया का डांस तो सबने देखा है कोई दिक्कत नहीं है बदक डांस अच्छा करते डांस तो वो तो बदक था लेकिन डांस बहुत अच्छा करते आप अगर बोलो कमेंट सेक्शन में बोलना भाई कि सोहन का और भाभी का डांस मजा जाएगा क्यों हाँ। है ना देखो मेरे से तो उम्मीद मत रखना क्योंकि मैं डांस में बिल्कुल भी नहीं हूँ डांस नहीं आता मुझे मम्मी को मालूम है कि डांस किसको आता है किसको कोरिया डांस नहीं आता भाई मेरे को डांस सच जो है लिटरली सच बता रहा हूँ कैसे करता हूँ हाँ तो बॉडी बिल्डिंग डांस चलते अरे चलो खा लो और मैं कर लो जो रोटी वोटी बना लो चलो गाइस दिखाते हैं आपको आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल पे जो नए विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना मिलते हैं आपको बाय बाय।